हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ समथिंग डिफरेंट। तो आज मैं अपनी एक फ्रेंड का मेकओवर करने वाली हूँ, तो बेसिकली इसलिए मैंने ये आज का व्लॉग शूट किया है। तो मैंने कियारा, देखिए शैतानी कर दी है, ये रही मेरी छोटी सी डॉल। से हाय। हाय बोलो। हेलो टू ऑल। एंड घर का सारा काम फिनिश कर चुकी हूँ, क्लीनिंग हो चुकी है, डस्टिंग हो चुकी है, एंड मैंने लंच भी रेडी कर लिया है। दाल बना ली है, राइस मैं हैंड टू हैंड बनाऊंगी, सोक करने रख दिए हैं मैंने। तो अभी तो काफ़ी टाइम है, 10:30 हो रहे हैं। देखिए ये बीच बीच में आ रही है, ये शैतान सिंह, ये मेरी शैतान सिंह बीच बीच में आ रही है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ हम दोनों का ब्रेकफास्ट, मम्मा बेटी का। मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह बनाती हूँ पनीर और प्याज के पराठे। और मेरे पराठे बनाए हुए फटते भी नहीं है, बट मैं किस ट्रिक से बनाती हूँ थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। तो चलते हैं किचन की तरफ। सो फ्रेंड्स, किचन में जा रहे हैं हम। ये कियारा बहुत डिस्टर्ब करती है। आप देख सकते हैं दाल मैंने बना ली है। मैंने यहाँ पे पराठे की तैयारी कर रखी है। तो ये है ग्राइंड किया हुआ पनीर, एंड ये मैं थोड़ा सा प्याज डालूंगी। तो इसमें मैं आज जो ऐड करने वाली हूँ मसाले, वो नॉर्मल है। सॉल्ट आपको डायरेक्ट नहीं डालना है। सॉल्ट मैं डालती हूँ जब मैं उसकी स्टफिंग करती हूँ, उस टाइम पे एक पराठे में एक बार डालती हूँ। कैरा डॉन डू। तो आप देख सकते हैं मैंने लिया है यहाँ पे कसूरी मेथी, वॉट एवर, मुझे नाम मतलब याद नहीं रहता हर बार। और ये मैंने लिए हैं अजवाइन सीड्स, और ये थोड़ी सी रेड, मैंने चिली इसलिए ले लिया है थोड़ा सा टेस्ट के लिए, कलर के लिए, क्योंकि अच्छी सी स्टफिंग बन जाती है। और ये है काली मिर्च, आप चाहें तो टेस्ट के लिए थोड़ा सा इसमें हींग भी ऐड कर सकते हैं। तो इन सबको मैं फटाफट मिक्स कर लेती हूँ। इसमें आपको सॉल्ट नहीं डालना, सॉल्ट आपको जैसे जैसे आप बनाते रहेंगे तभी आप अपने अंदाजे से डालते रहिए, और बिल्कुल सही डलता है, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं होता। आप देख सकते हैं ये दो पराठों के लिए सफिशियंट है ये स्टफिंग। एक पराठा तेरा का होगा, एक पराठा मेरा। ब्रेकफास्ट बना रहा है, इतना काफ़ी है एक पराठा। वैसे भी पराठा मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, वो तो मुझे लगा कि चलो पनीर है घर में रखा हुआ है तो उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर अच्छी से स्टफिंग बन गई है। तो गाइस, ये स्टफिंग के बाद पराठे बनाते हुए फटे ना पराठे, तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं करना, इतना सफिशियंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं पराठे बनाना स्टार्ट करती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। तो कियारा ने चीजी खा ली? तो यस मामा, बोलो गप गप खा ली। ओके माय बेटू, किता मामा का क्या है? चाहत माय लवली बेबी। चलो अब कियारा देखेगी फोन में थोड़ी देर नानी। नानी का मतलब होता है नानी, तेरी मोरनी को मोर हो गया, उसकी आड़ में ये पता नहीं क्या क्या देखती है, सारे कार्टून्स ABCD सब देख लेती है, बट इससे इसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, ये पढ़ाई में काफी कुछ सीख चुकी है। गाइस, अब मैं कियारा को दे रही हूँ फोन। फोन देखने के बाद कियारा करेगी ब्रेकफास्ट मम्मा के साथ, और ब्रेकफास्ट के बाद कियारा अपनी स्टडी करेगी। यस, सो बाय बाय कर दो। फ्लाइंग किस करो, डू फ्लाइंग किस। यस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पराठा अच्छे से सेक लिया है मैंने, और मैंने यहाँ पर केवल वन साइडेड यहाँ पे घी लगाया है, और मैंने अदर साइड घी नहीं लगाया है। अच्छे से सिक गया है पराठा, आपको सिम पे सेकना है, क्योंकि अगर आप तेज पे सेकेंगे प्याज इसमें कच्चा रह जाएगा। तो अपने लिए तो मैं शेजवान लूँगी, और कियारा के लिए मैं थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा सॉस लूँगी। सो ये है कियारा की प्लेट, ये है मामा की प्लेट। अब हम करते हैं नाश्ता। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया है। ये है मेरा पराठा, और वो है कियारा का पराठा। ये ना इसमें देखिए, ये है कियारा का पराठा, और सॉस चाट रही है मैडम। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा ब्रेकफास्ट टाइम, हम करते हैं दोनों ब्रेकफास्ट, उसके बाद है कियारा का स्टडी टाइम, उसके बाद आपको दिखाती हूँ दिन का, कंटिन्यू करती हूँ जब मेरी फ्रेंड आएगी और उसका मैं मेकओवर करूँगी। तो आपको कैसा लगा ये ब्लॉग बताइएगा, अभी तो काफ़ी है आगे, तो कंटिन्यू करती हूँ। सो ब्रेकफास्ट आप भी कर लीजिए। सो बाय बाय। सो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। सो फ्रेंड्स, मैंने सारा मेकअप का सामान निकाल लिया है, मैंने ज़्यादातर यहाँ पे शुगर के प्रोडक्ट लिए हैं, और
अदर ब्रांड इज माय फेवरेट माई ग्लैम। तो मैं और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इसी से मैं मेकअप करने वाली हूँ। रिवॉल्यूशन के पैलेट यूज़ करूँगी एंड देखते हैं आपको कितना पसंद आता है मेकअप। तो देखिए मेरी फ्रेंड भी आ गई है, मैं आपको मिलवाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरी फ्रेंड आ चुकी है हिमानी से। हाय हिमानी। हाय। तो अब मैं हिमानी का मेकअप कर रही हूँ, तो हम मेकओवर करके दिखाएंगे आपको बाद में। वैसे मैं आपको स्पीडली करके दिखाऊंगी कि किस तरह का मेकअप मैं कर रही हूँ आज हिमानी का। और एकदम न्यूड मेकअप करना है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं करना है, देखते हैं आज हैवी होता है या नहीं होता है। वैसे तो मेरे से मेकअप थोड़ा सा डार्क ही हो जाता है लाइट करते करते, तो थोड़ी सी स्टाइलिंग भी ट्राई करूंगी हिमानी के हेयर्स में। मेरे खुद के हेयर्स में तो मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट मैं हिमानी का ट्राई करती हूँ। सो मैं कंटिन्यू करती हूँ उस व्लॉग को आगे। A few moments later. So friends, हिमानी को मैंने रेडी कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा और न्यूड मेकअप लुक कराया मैंने।
और काफी अच्छा लग रहा है। हमारी की आईज तो वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल है, आप देखिए स्मोकी आई मेकअप कराया मैंने, और मैं आपको हेयर स्टाइल दिखाती हूँ हमारी का, तो देख सकते हैं गाइस। देखिए मैंने पीछे से हिमानी के कर्ल करे हैं अपनी चॉपस्टिक से, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। चॉपस्टिक मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये हेयर स्टाइल क्या है मैंने हैवल्स की, जो मेरी चॉपस्टिक है। आपको इस प्रोडक्ट का लिंक चाहिए वो आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगा, मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट करी हुई है, बट आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल हो गया है। मुझे तो काफी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मैंने कभी ऐसे किसी भी उसमें नहीं करे अभी तक हेयर स्टाइल। फ्रेंड्स यहीं पे एंड करती हूँ मैं ये आज का ब्लॉग, आई होप आपको ये मेकओवर काफी पसंद आया होगा। अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।